Shirumani Akali Dal leader Prem Singh Chandumajra, who spent 21 months in jail during emergency 40 years back, tells NNIS that the imposition of emergency was a black spot on the Congress. देखिए आज 40 वर्ष पहले जो कांग्रेस की ओर से इमरजेंसी लाई गई थी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ओर से आज भी वो दिन हमें याद आ रहे हैं। उस समय का वातावरण जो एक डर का था, सहम का था, वो वातावरण आज भी हमारी आंखों के सामने है। क्योंकि मैं सबसे छोटी उम्र में मुझे पकड़ा गया, मैं अपने गांव को जा रहा था, बस स्टैंड पर से पकड़ लिया और 21 महीने मुझे जेल में रखा और मुझे आज भी वो दिन याद हैं। और ना हम बोल सक लिख सकते थे, ना हम किसी को मिल सकते थे। तो ऐसी व्यवस्था जो देश में डाली उस समय के सरकार ने, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के मत्थे पे वो ब्लैक स्पॉट है। कांग्रेस उसको धो नहीं पाई अभी तक और कांग्रेस को इस दोष से कभी बरी नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों का इस अनडेमोक्रेटिक मीन्स के विरोध में ये एक फतवा था और ये भी साबित करता है कि देश के लोग जो हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ही सम्मान देते हैं, तानाशाही को नफरत करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इस दोष से माफ़ नहीं किया जा सकता और जो ये जातियाँ की और तशद्दुद किए और देश का सारा सिस्टम ही तहस नहस कर दिया, प्रेस को बोलने तक लिखने तक की कोई इजाज़त नहीं थी, आज 40 वर्ष के बाद भी हमें वो याद आ रही है। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है रूलर्स जो हैं उनको भी ये एक मैसेज देता है हमेशा के लिए कि देश के लोग डेमोक्रेटिक सेटअप को ही अच्छा मानते हैं। पावर्ड बाय NNIS।